पहले उंगली माँ थे, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से आज यहाँ चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में ओंकार ही की तो महिमा है। लंबा गहरा श्वास उद्गीत प्राणायाम लंबा गहरा श्वास भरेंगे मौन सहज शांत जाते प्राणों के साथ प्रणव की आराधना से साधना प्रारंभ होती है। 3 से 5 मिनट का ध्यान अवश्य किया करो, करवाया करो। प्राणों के साथ प्रणव की आराधना के साथ ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है।
हर श्वास के साथ ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप। ओंकार या गायत्री मंत्र से भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए साधना के मुख्य तीन चरण हैं, ध्यान के मुख्य तीन चरण हैं। भगवान के अनंत गुणों के, अनंत कर्मों के, अनंत स्वभाव के, अनंत ऐश्वर्य के, अनंत बल के, अनंत पराक्रम के, भगवान की अनंत महिमा की स्तुति, अनंत महिमा को स्वीकारना, अनंत महिमा को अनुभव करना, यह है स्तुति। ओम, ओम स्वयं अनंत का प्रतीक है। ओम में सारे मंत्र, सारे वेद, सारा सत्य, पिंड, ब्रह्मांड, सब कुछ समाहित है। ओ किसी का एक शब्द पर ध्यान अधिक नहीं लगता तो ओम भू हू प्रभु आप प्राणाधार है, भुआ सब दुख दूर करने वाले, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक सब दुख, वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक आध्यात्मिक जितने भी दुख हैं जीवन में उन सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाले भुआ आप, स्वाह सब सुख देने वाले तत् सवितुर्वरेण्य हे सविता पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचयिता प्रभो, एक एक शरीर की कोशिका से लेकर के उनसे बनने वाले जितने भी उत्तक अवयव, ये पूरा मनुष्य का शरीर प्रभो, एक एक सेल जीन्स क्रोमोजोम से डीएनए से लेकर के उसके टीशू ऑर्गन से पूरी अद्भुत मानव शरीर की रचना प्रभु आपने की है। आप पिंड के ब्रह्मांड के सृष्टि के एक एक परमाणु से लेकर के बड़े बड़े घटक के बड़े बड़े आकाशीय पिंड, ये सब प्रभु तूने ही रचा है। तू सबका रचयिता, सबका कर्ता विधाता, सबसे अधिक बलवान प्रज्ञावान महान प्रभु, मैं आपकी शरण। तत् सवितुर वरेण्यम प्रभु, मैंने आपको चुना है, आपका वरण किया है, आपकी शरण में भर्ग भस्म कर दो, मिटा दो, हटा दो उन सब क्लेशों को, उन सब दुखों को, सब अज्ञान को, तमस को, अंधेरे को, जो तेरे पथ में बाधा बना हुआ है। देवस्य धीमहि प्रभो, मैं आपके दिव्यता को धारण करूं, सब प्रकार के आपके दिव्यताओं से युक्त रहूं। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह परमात्मा नः हमारी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात्, प्रभो आप हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चलाना, वेद मार्ग पर, योग मार्ग पर, पुरुषार्थ परमार्थ के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर चलाना। ओंकार या गायत्री का ध्यान करना, और मैंने तो बार बार संकेत किया, बच्चे ये ध्यान करें कि प्रभु हमें बल दो, हमें बुद्धि दो, हमें सद्ज्ञान सद्भाव दो, सत्कर्म करने का सामर्थ्य दो, हमें बलवान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, महान बनाओ प्रभु, हम आपकी संतान है, अपना जैसा ही हमको बना, जिसकी जैसी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, चेतना के जिस धरातल पर खड़े उस धरातल से ऊपर उठने के लिए जो आपकी मांग है उसके अनुसार आप भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। तो भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करते 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 और प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ को जोड़ते जोड़ते वैसे ही बन जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे दोनों हाथों के, गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा को, उष्मा पंजना को ऊपर करेंगे, आँखें खोल लेंगे,